गुड मॉर्निंग ऑल डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज की वीडियो में क्लास सेवन का साइंस पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जीवों में पोषण, जिसमें हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री केरल आहार नाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड वेसल्स। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं पचने छोटी आंत में पचने के बाद वो क्या होती है, भोजन के साथ हमारे ब्लड वेसल यानी नसों में खून जिसमें बहता है उसमें चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक फूड्स कॉल्ड विली। जो हमारे आंत के अंदर की जो पार्ट्स दीवार होती हैं आंत के अंदर के, उसको थाउजेंड्स ऑफ फिगर लाइक फूड्स मतलब उसमें हजार टुकड़े में भोजन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं अंगुलियों के आकार की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द ईच विलीज आर इवन टीनर फूड्स कॉल्ड माइक्रोविली। जो भोजन होते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, इसलिए इनको माइक्रोविली भी कहा जाता है। दिस फूड्स गिव्स ए ह्यूज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फूड। जो भोजन ग्रहण करने का एक बहुत बड़ा जगह होता है हमारे पेट में, ह्यूज में होता है बहुत विशाल विशाल का यानी बड़ा जगह, ह्यूज एरिया बड़ा जगह होता है जिसमें भोजन क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। ईच विलेज हैज ए रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड भी हम भोजन करते हैं इसके द्वारा क्या होता है हमारे ब्लड वेसल में पहुँचने का यह माध्यम होता है। द एब्जॉर्प्शन फूड्स मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। हमारे सारे पार्ट्स में जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं वो ब्लड वेसल के माध्यम से भोजन हर अंग के पास पहुंचता है। दिस मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जो ये पदार्थ होते हैं क्या हमारे शरीर में प्रोटीन बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, जिसे हम लोग एसिमिलेशन करते हैं। इन दिस सेल्स ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है ग्लूकोज बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकलता है पसीने के रूप में एंड रिलीज एनर्जी और क्या होता है ऊर्जा प्रदान करता है। दिस एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस एक्टिविटी। इस ऊर्जा का हम प्रयोग कई कामों में करते हैं, खेलते हैं तभी काम करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस रूप में हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। द अनडाइजेस्ट फूड गोज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो भोजन हमारा पच नहीं पाता है वो कहाँ चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज एन एप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन। या एक क्या होता है 1.5 मीटर लंबा ट्यूब होता है जिसमें भोजन पचता नहीं है, पचने का काम नहीं होता है। द अनडाइजेस्ट फूड कॉल द वेस्ट, जो इसमें पदार्थ आता है भोजन का वह वेस्ट होता है। मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। जो बड़ी आंत होती है भोजन से पानी को जो ग्रहण कर पानी के रूप में ग्रहण करती है और वेस्ट के रूप में बाहर निकालती है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इट द सेंट इन टू द रेक्टम, हमारे रेक्टम के द्वारा से जो सॉलिड रूप में जो वेस्ट होते हैं बाहर आते हैं। द वेस्ट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड केसेस लीव्स द बॉडी थ्रू एनस, जो हमारे एनस अंग के बाहर माध्यम से सारे वेस्ट पदार्थ क्या आते हैं बाहर चले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन और डिफिसिएशन। जो प्रोसेस होता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं डिफिसिएशन कहते हैं। बाकी हम लोग अगले लेक्चर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।